कुपोषण एवं अन्य जन समस्याओं के विरोध में ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व विधायक कार्यालय से नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार दिनकर चतुर्वेदी को सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते हुए पूर्व विधायक निशंक जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुपोषण को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन धरातल पर बदनुमा दाग लग रहा है। शासन प्रशासन कुपोषण के जीत के लक्ष्य से भटक गया है और पुनर्वास केंद्र भी कुपोषण के शिकार हो गए हैं। जिले में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 6 माह में 100 से अधिक बच्चे बासुदा अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। उनको मापदंड के अनुसार पोषण आहार नहीं दिया जा रहा है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में गंज बासुदा तेउदा 11 तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के जले हुए सभी ट्रांसफार्मर बदले जावे। गंज बासुदा तेउदा 11 हैदरगढ़ के समस्त चिकित्सालयों में स्थित रिक्त पदों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जावे। अथा इस ज्ञापन के माध्यम से हम सभी कांग्रेसजन मांग करते हैं कि क्षेत्र के सभी मांगों का शीघ्र से शीघ्र निराकरण किया जावे, अन्यथा समस्त कांग्रेस पार्टी को आंदोलन के लिए बात होना पड़ेगा। लगा भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।